राष्ट्रीय एकता दिवस यानी भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती से पूर्व आज रन फॉर यूनिटी देश के लिए दौड़ने का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम को पूरे देश में मनाया जा रहा है। समाज का हर तबका उसका हिस्सा बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जो एक सबसे बड़ा काम हुआ है, देश भर से लौह संग्रह करके केवड़िया गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का काम हुआ। पूरे देश से करोड़ों लोग वहां जाकर के उनके दर्शन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा या छोटा नेता, देश का या गुजरात प्रदेश का भी, सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि देने नहीं गया है। कांग्रेस देश के महापुरुषों का आदर नहीं करती, अपने केवल परिवार के लोगों को महापुरुष मानती है। इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया कि हमें देश के लिए दौड़ना है, देश के लिए एकजुट रहना, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य करना है, सरदार पटेल जी के अधूरे स्वप्नों को पूरा करने का काम करना है। मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री अगर सरदार पटेल होते तो विश्व के मानचित्र में पाकिस्तान, जो आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है, उसका नाम नहीं आता। देश में मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होती, परिवारवाद की राजनीति नहीं होती। जम्मू कश्मीर को 370 और 35A की जो बीमारी है उससे ग्रस्त नहीं होना पड़ता। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 370 और 35A हटने के बाद पहली बार आजादी के बाद पहली बार जो श्री उमर अब्दुल्ला जी की अगुवाई में वहां अभी सरकार बनी है, उसने भारत के संविधान के अनुसार शपथ लिया है। पहले जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होता था, अलग उनका ध्वज होता था, लेकिन अब एक तिरंगा, एक राष्ट्र एक ध्वज, एक राष्ट्र एक संविधान। तो यह जो कार्य हुआ है वह ऐतिहासिक है। मैं सरदार पटेल जी के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके अधूरे सपनों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरा कर रहा है और आगे और मजबूती से पूरा करेगा, ऐसा विश्वास करता हूं। देखिए, जो अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं करती ऐसी पार्टी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। ये बहुत संकीर्ण विचारधारा की पार्टी बनकर के कांग्रेस रह गई है। अभी लोकसभा के जब चुनाव संपन्न हुए थे तो उसमें एक झूठ फैलाया देश में, संविधान का, आरक्षण का, और जो सबसे बड़े संविधान विरोधी, सबसे बड़े आरक्षण के दुश्मन, सबसे बड़े संविधान का दुरुपयोग करने वाले, उस कांग्रेस पार्टी के उस झूठ का पर्दाफाश हो गया। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो उनको जरूर कुछ सीटें मिल गई, लेकिन अब लोगों की आंख खुल गई कि ये तो झूठ बोल रहे थे। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ और तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कभी सरकार में होती थी, आज कांग्रेस की हैसियत शून्य के बराबर है और वहां भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई है। झारखंड और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। यूपी के 9 सीटों में से हमें तो पूरा 9 का भरोसा है, शायद 1 सीटों पर लड़ाई हो, अन्यथा हम 9 की 9 सीटें जीतने वाले हैं। और कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो खत्म हो गया है, मतलब वह पहले भी समझ में आ रहा था, आज भी समझ में आ रहा है। स्वार्थ के आधार पर कोई गठबंधन टिकाऊ नहीं हो सकता। भाजपा का गठबंधन मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहे। सर, लेकिन सपा की तरफ से लगातार होर्डिंग लगाई जा रही है कहीं कि न बटेंगे न कटेंगे, नफरत करने वाले 27 में। देखिए, 27 के सत्ताधीश का स्वप्न देखना मुंगेरी लाल की तरह कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन तीसरी बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में फिर बनेगी। हरियाणा में पूरे देश का मीडिया, पूरे देश में कांग्रेस और उनके विपक्षी साथी एक ही बात कह रहे थे कि हरियाणा में भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। रिजल्ट आया तो क्या हुआ, तीसरी बार भाजपा सरकार बन गई। ये 27 के सत्ताधीश नहीं, ये 47 के भी सत्ताधीश नहीं बन सकते। एक आखिरी सवाल है सर, रामलला दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, क्या स्थितियां? मैं सबसे पहले तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। राम भक्तों को, उन पूज्य संतों को, उन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्वकर्ताओं को, मैं जो नहीं रहे हम सबके बीच में, उनको नमन करता हूं। अगर देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो रामलला अपने जन्म स्थान पर नहीं विराजते।
और आज रामलला के विराजने के बाद जो दीपोत्सव हो रहा है उसका संपूर्ण श्रेय मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देते हुए और अपने उन बलिदानी राम भक्तों कार्यसेवकों को नमन करते हुए खुशी मना रहा हूं।